हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नेट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी, बोले तो इकोलॉजी, है ना। यहाँ पर मैंने उन बिंदुओं को ध्यान में रखा हुआ है जो आपके पुस्तक में स्पष्ट रूप से नहीं देखने को मिलते हैं, किंतु आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में प्रश्न का हिस्सा बन जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि सर जी पारिस्थितिकी क्या है, है ना। चलिए यहाँ पर मैंने दो साइंटिस्टों के नाम ले रखे हैं, एक है ओडम और दूसरे हैं रामदेव मिश्रा। तो ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी क्या है, देखिए, प्रकृति की संरचना एवं क्रिया का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, जबकि रामदेव मिश्रा के अनुसार जीव की संरचना, क्रियाओं तथा कारकों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं को पारिस्थितिकी कहा जाता है, है ना। ये परिभाषा आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसी में ही मुख्यता देखने को मिलती है। अब बात यहां से करते हैं, यहां से आपको एक नंबर का सीधा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चार नंबर का प्रश्न बन के आता है। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द हैकल ने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? हैकल ने। दूसरा, पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, ठीक है, क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न आता है, भारतीय जनक किसे कहा जाता है, है ना। तो भारतीय जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। पारिस्थितिकी के भारतीय जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। इसके बाद पारिस्थितिकी का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? तब आंसर आता है ओडम। क्या ना आंसर आता है? ओडम। इसके बाद देख सकते हो, जीवमंडल की सबसे छोटी इकाई क्या है? पारिस्थितिकी है। क्या है? पारिस्थितिकी है। यहां पर दो पॉइंट और दिए गए हैं, सागर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, सबसे पुराना पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। यहां से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बड़ी आसानी होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।